चेन में जब लॉक नहीं है तो चेन से कट 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 का जो साउंड आते रहता है, उस साउंड को कैसे रिमूव करें, कैसे खत्म करें, इसलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ये होंडा कंपनी का तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे होंडा कंपनी का सैन SP 125 CC बाइक है। और इस बाइक में आप लोगों को भी पता होगा कि चेन के अंदर चेन लॉक नहीं दिया जाता है। जो हमारा BS6 बाइक आ रहा है उसमें खास करके चेन लॉक नहीं दिया जाता है, क्योंकि चेन को यहाँ पे रिपीट करके पंचिंग करके डायरेक्ट चेन को जाम किया रहता है। तो उस टाइम क्या होता है कि देखिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे बात कर लें चेन के अंदर, यहाँ पे देखिए आप शायद आपको कैमरा में दिख रहा है चेन के अंदर ओरिंग लगा है, ये फुल्ली ओरिंग वाले चेन है। आपको रन करके दिख रहा है, देखिए कहीं से भी चेन के अंदर लॉक नहीं लगा है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि चेन में जब लॉक नहीं है तो चेन से कट 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 का जो साउंड आते रहता है, उस साउंड को कैसे रिमूव करें, कैसे खत्म करें, क्योंकि इस बाइक में भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि चेन से खट 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 का साउंड आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही बाइक चलता है इस तरह से रन करता है, चेन से कट 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 का साउंड आते रहता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के पास आता है कि चेन को अच्छा से आप लोग वॉश भी कर देते हैं, फ्रंट स्पोकेट में यहाँ पे थोड़ा ऑयल भी डाल देते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे चेन से कट 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 का साउंड आते रहता है, साउंड नहीं बंद होता है। क्योंकि आप लोगों को पता हो कि चेन में लॉक रहता है तो चेन लॉक कट जाता है, उस टाइम चेन से कट कट का साउंड आते रहता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो चेन के अंदर लॉक तो है नहीं, उसके बाद भी कट कट का साउंड आ रहा है, तो साउंड को कैसे रिमूव करें, कैसे बंद करें। तो देखिए इसके लिए आपको सिंपल सा तरीका है, तो वीडियो में अंत तक बनेगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए जो भी हम वीडियो बनाते हैं खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं, तो कट कट का जो साउंड है उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस दोनों बल्ब को चलिए हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। जो भी कट कट का साउंड है वो रिमूव होगा यहीं से, उसके बाद भी रिमूव नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक का यूज करने से 100% है कि चेन का कट कट का साउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमने फ्रंट स्पॉकेट कवर को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद आपको बाइक को फर्स्ट गियर में डाल देना टॉप गियर में, उसके बाद आपको दोनों जो 10 mm का रिंच लेकर के दोनों स्पॉकेट जो फ्रंट स्पॉकेट में दो नट लगाए, दोनों नट को आपको ओपन कर लेना है यहाँ से, देखिए इस तरह से। ओपन करने के बाद आपको ये लॉक पट्टी बाहर निकाल लेना है, लॉक पट्टी बाहर निकल गया। और यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं चेन स्पॉकेट का एक एक दांत यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको कैमरा में देखिए बैंड हो गया है, बैंड हो जाएगा तो भी कट कट का साउंड आएगा, क्योंकि बैंड होने से इस चेन में यहाँ पे अटकते रहता है। जब यह बाइक चला चेन में अटक, इसमें चेन फंस जाता है। तो आपको मार्केट में नया स्पॉकेट मिल रहा था, आप स्पॉकेट नया डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पॉकेट नहीं चेंज करना चाहते हैं उस टाइम आपको कर स्पॉकेट को आपको उल्टा कर देना, इस तरह से उल्टा कर देना है, इसको पलट देना है। चलिए आपको मैं स्पॉकेट को यहाँ पे देखिए पलट दिए, अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे फिट कर लेते हैं, इसको आगे पीछे करके यहाँ पे देखिए सेटिंग कर लिए। चलिए हम इस नट को यहाँ पे टाइट कर देते हैं, साउंड आ रहा है या नहीं, क्योंकि जिस बाइक में चेन लॉक नहीं लगा है उस बाइक में आप इस तरह से स्पॉकेट को पलट करके भी कट कट का साउंड रिमूव कर सकते हैं, चेन का साउंड से आप चेन साउंड को आप रिमूव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और जो बाइक में चेन लॉक लगा है उस बाइक में भी चेन लॉक चेंज करने के बाद अगर कट कट का साउंड आ रहा है उस टाइम भी आपको स्पॉकेट को चेंज करके चेकअप करना है, या तो आप उसको पलट करके चेकअप करना है। अगर पलटने के बाद भी चेन से कट कट का साउंड आ रहा है उस टाइम आपको फ्रंट वाला ये स्पॉकेट जो है इसको नया डाल देना है। यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर टाइट कर लिया, न्यूट्रल कर लिया बाइक। अब देखिए यहाँ पे रन करते हैं व्हील को, अब देखिए चेन से बिल्कुल भी कट कट का साउंड नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह से चेन से, अगर आपके भी बाइक में चेन से कट कट का साउंड आ रहा है तो आप इस तरह से साउंड को रिमूव कर सकते हैं। इसको उल्टा करने के बाद यहाँ पे नया वाला इंजन ऑयल डाल देना है, इसमें थोड़ा ग्रीस डाल देना ताकि गरगर का साउंड नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।